नमस्कार दोस्तों, आज किस लकड़ी से जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, उससे हम प्रोफेशनल बेंजो की जो प्रोफेशनल वाली जो रीड पट्टी रहती है एकदम डिज़ाइन वाली, वो बनाना बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये इसमें मतलब पूरी पूरी जानकारी दी हुई कि कैसे बनेगा, ठीक है। और आपको रीड पट्टी बनाना सीखना है तो आपको एक एक बारीक चीज़ इसमें हम बनाना सिखाएंगे, ठीक है। उसका जो कोर्स है वो चालू हो चुका है, ठीक है। ये जो नंबर दिया है आप उसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है, और आप रेट वगैरह जानकारी ले सकते हो। कोर्स एक हफ्ते का रहेगा। इसके अंदर आपको बेंजो की पूरे पार्ट्स की जानकारी, बेंजो के जो रीड पट्टी वगैरह सब, बटन पट्टी, रीड पट्टी, उसकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो जो मैं आपको साइज दे रहा हूँ, नीचे वाला 27 इंच का है और ऊपर 26 इंच का है, ठीक है। तो हमने नाप ले लिया है और उस हिसाब से हम काट देंगे आप, ठीक है। कुछ क्लैंप में फंसा के आप काट देंगे। हम आपको बेंजो से रिलेटेड हर एक चीज़ बताएंगे जो आप बेंजो बनाने में काम आती है, ठीक है। टूल वगैरह पूरे आपको हम हमारे जो कोर्स में सिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपको एक हैक बता देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे होल है तो हम इसे जो लकड़ी का बुरादा आता है उससे फेविक्विक से हम पैक कर देंगे, ठीक है। तो उससे आपका जो लकड़ी है वो भी नाच ली जाएंगी और बढ़िया भी दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आधा इंच इधर छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लकड़ी लगाएंगे और इधर एक एक सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे हम कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम फेविक्विक से चिपका देंगे। इसमें लगने वाला सामान है बटन, ठीक है। बटन तो मेन ही है, बटन पट्टी बना रहे हैं तो बटन मेन ही है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है वीडियो के लिए, ठीक है। और ये नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्राइस वगैरह पूछ सकते हो, है ना, व्हाट्सअप भी कर सकते हो और लेना चाहो तो ले भी सकते हो। ये जो नट है ये अलग से मिलेगा, ठीक है, बटन के साथ स्प्रिंग आएंगी। उसके बाद हमने जो नाप है ये प्रोफेशनल नाप है बेंजो का, ठीक है। अगर बेंजो का कोर्स लेंगे आप सीखने के तो ये नाप आपको दिया जाएगा, उसमें आप सीख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने नाप जो हमारे ये है नाप, ये प्रोफेशनल नाप है, ठीक है। हमने एक एक इंच हम कर दिया है थोड़ा सा। उसके बाद ये कुछ इस प्रकार के हमने डिज़ाइन बनाई है, ठीक है। ये भी आपको वीडियो में हमारे जो कोर्स है उसमें सीखने को मिलेंगी। इसमें थोड़ी जिसको जो कर्व है उसे हम सॉफ्ट करेंगे पहले, तो जिसका किनारा है उसे हम अच्छे से, ताकि हम गड़े ना, ठीक है। आप राउटर का भी, राउटर की मदद से भी इसे प्लेन कर सकते हो अगर आपके पास राउटर है तो। और अगले वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि जो बेंजो में यूज़ होते हैं टूल्स वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही आसानी होगी उसे लेने में और बेंजो का काम चालू करने में, ठीक है। तो अब हम इसे फेविकोल की मदद से चिपका देंगे। हमने एग्जैक्ट नाप ले लिया है ना दोनों साइड में, और उसके बाद हम एक बार फिर से चेक कर रहे हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार से चिपक जाएगा, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे, क्योंकि एक बार चिपकने के बाद ये बाद में निकलेगा नहीं, इसलिए पहले से ही आप अच्छे से देख पर रख के उसे फिट करें, ठीक है। और यहाँ पे बेंजो में ज़रा सी इधर उधर गलती का आपका साउंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए गलती यहाँ पे 0% होना चाहिए। उसके बाद हमने फेविकॉल मरीन ले लिया है, ठीक है। फेविकॉल पीडी लाइट का बहुत ही बढ़िया फेविकॉल रहता है, ओरिजिनल फेविकॉल का यूज़ करें बाद में, नहीं तो डुप्लीकेट आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए ओरिजिनल ही फेविकॉल का यूज़ करें। अच्छे से अप्लाई कर देंगे लकड़ी पे। उसके बाद इसे हम कील की मदद से, छिल्ले की मदद से उस पर ठोक देंगे अच्छे से, ठीक है। और बिल्कुल भी इधर उधर ना करें, नहीं तो आपको साउंड में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसलिए हम 2-3 बार चेक भी करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आप
चेक कर लीजिए, उसके बाद जो कील आते हैं उसकी मदद से हम कील ठोक देंगे, ठीक है। और कील इतनी बड़ी मत लीजिए कि आर पार निकल जाए, जो साइज़ आता है मीडियम साइज़ उसका ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर आप कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। उसका प्राइस वगैरह आपको व्हाट्सएप पे या उसकी बता दें, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट होता है, ठीक है। तो हम दोनों साइड में कील ठोक देंगे, कुछ इस प्रकार से हमारा, ठीक है। और इधर भी हम बीच बीच में थोड़े बहुत कील ठोक देंगे, या फिर क्लैंप का भी यूज़ कर सकते हो आप एक दिन के लिए, ठीक है। तो जिस प्रकार से क्लैंप भी बहुत ही बढ़िया यूज़ होता है, और लगभग एक दिन आपको रात भर रखना है, 24 घंटे या फिर 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे में वैसे अच्छे से सूख जाता है ये, लेकिन आपको अगर ज़्यादा रखना है तो आप 24 घंटे भी रख सकते हो। और जिस प्रकार का हमें डिज़ाइन टाइप में का बनाना है, ठीक है, इसके भी टूल बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, अगर आप कोर्स लेते हो तो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि बीच में जो होल दिख रहा है स्प्रिंग का, वो एकदम सेंटर में ही आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, जिसे हम तो नहीं बताएंगे इसमें, आप अगर कोर्स लोगे तो बिल्कुल ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से हमारी बटन मूव करती है, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार का बनाना है, ठीक है। आप और कुछ चीज़ से बना सकते हो, लेकिन उसमें गलती होने के चांस थोड़े ज़्यादा रहता है, इसलिए एक्यूरेट बेंजों में है ना सफाई ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा से इसमें साउंड नहीं आ पाता है, इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो स्प्रिंग आई थी हमारी, उससे हम हल्की सी चौड़ी कर लेंगे, पन्ना लेंगे, उसके बाद जो वायर कटर आती है उसकी मदद से हम होल में डालेंगे, और होल की हल्की सी बड़ी हमें स्प्रिंग चाहिए। ताकि ये चिकना चिकना अच्छा दिखे, ठीक है। और जो फ्रेंड्स आखिरी में जो डिज़ाइन बनेगी वो बहुत ही बढ़िया लुक देती है हमारे बेंजो को।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमने कुछ नाप लिया है और हम बटन के लिए जो सॉरी जो बटन पट्टी फिट होती है जहाँ, उसका हमने थोड़ा नाप लिया कुछ, तो हम आरी की मदद से इसे काट लेंगे फटाकने से कुछ इस प्रकार से। हम इसे अच्छे से काट लेंगे, कुछ एंगल पे काटना है इसे, स्ट्रेट नहीं काटना है। ठीक है, अब हम साइड से इसमें कट मारेंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बन गए। उसके बाद इसकी जो बची हुई भाग है, बचे हुए भाग है उसकी नुक्की जो है, उसे हम ब्लेड की मदद से इसे निकाल देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे। उसके बाद सैंड पेपर जो रेतमाल आता है उसकी मदद से हम इसे फाइन फिनिश दे देंगे। ठीक है, अच्छे दिखने के लिए कुछ इस प्रकार से बन गए हमारी। उस दूसरे साइड भी कुछ इस प्रकार से ही हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे थोड़ी से वहाँ पे गड्ढा था तो हमने उसमें कुछ सॉल्यूशन भर दिया है। ठीक है, उसके बाद जी हमारी जो रिंग है वो लगेंगे कुछ इस प्रकार से, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ साइज़ वाइज नहीं रहता, अपने हिसाब से आपको जितना लगे हिसाब से कर दीजिए। इसके बाद हम सेंटर पंच कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई। उसके बाद उसकी ही डायमीटर की जो ड्रिल बिट है हमने यूज़ करी है, इसके बाद हम इसे अच्छे से होल कर देंगे। हमारा पहला होल हो गया है, सेकंड होल भी हम कर देंगे इस प्रकार से। दूसरी साइड पे हम होल कर देंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का एक पॉलिश आता है, ठीक है, वुडन पॉलिश, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे फिनिशिंग देने के लिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आता है पॉलिश। हम इसमें कुछ सीक्रेट रख रहे हैं क्योंकि हम जो बेंजो का जो पेड वर्जन है, ठीक है, उसमें हम लाएंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इसमें थोड़ा दूसरे टाइप का पॉलिश है, वो वैक्स पॉलिश था, ये थोड़ा रेड कलर का है ना। इसके बाद इसमें जो बी वैक्स है उसका ऊपर से पॉलिश करेंगे हम। आप चाहे तो आपके पास जो लोकल पॉलिश जो यूज़ होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना इसमें आता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। पीछे साइड भी थोड़ा सा हम लगा देंगे ताकि देखने पे थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, उसके बाद हमें इसे एक दिन के लिए, मैक्सिमम एक दिन के लिए रख देंगे। ठीक है, एक दिन पूरा होने के बाद कुछ इस प्रकार का लग रहा है। उसके बाद हम इसमें जो रिंग थी उसे फिट कर देंगे फैब्रिक क्विक की मदद से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिट हो गया है। इसे हमें ठोकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ी कमज़ोर टाइप में की रहती है और ठोकने पे इसमें निशान पड़ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं दिख पाता है, इस कारण से इसमें ठोकना नहीं है। ठीक है, अगर आप ठोकने जाए तो बारीक से कुछ लकड़ी से ठोक सकते हो, ज़्यादा हथौड़ी से नहीं ठोकना है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बटन फिट करेंगे, तो बटन करने से पहले हम इसमें ट्यूब लगाएंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी लकड़ी है वो बटन की आवाज़ ना आए और लकड़ी हमारी ख़राब भी ना हो। ठीक है, और आपने पॉलिश करने के बाद इसे कपड़े पे रखना है। ठीक है, हमने कपड़े पे रखा है ताकि इसमें स्क्रैच नीचे की जो अब पॉलिश के बाद स्क्रैच ना आए। ठीक है, क्योंकि फिर अगर स्क्रैच आई तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएंगी इसकी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इस प्रकार की स्ट्रेट लकड़ी ले ली है, उसकी मदद से हम इसमें काट कट कर देंगे और उसके बाद हम फैब्रिक से चिपका देंगे। तो कुछ इस प्रकार की हमारी जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप टाइप की बन चुकी है। अब उसे फेविक्विक की मदद से या फिर फेविकॉल आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसकी मदद से आप चिपका सकते हो आसानी से। ठीक है, याद रखें स्ट्रेट ही आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो स्ट्रिप है वो काट ली है और उसके बाद हम इसे
ठीक कर देंगे परमानेंटली उसे। तो कुछ इस प्रकार की हमारी जो बन चुकी है, ठीक है, और इस प्रकार से चिपक जाएंगी। इससे दो फायदे होते हैं, पहले तो हमारी लकड़ी भी सेफ रहती है, और बटन की जो आवाज़ टक टक आवाज़ आती है, ठीक है, वो भी नहीं आती है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो उससे आप चिपका सकते हो, फेविक्विक, फेविकोल, फेविस्टिक, फेविगम, जो भी उपलब्ध हो उसकी मदद से आप चिपका सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखें अच्छे चिपकाए, बार बार निकले ना। तो जिस प्रकार से हमारे चिपक चुका है, उसके बाद हम अब आएंगे बटन फिटिंग से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाला पहले तो हम कट कर देंगे। और बीच बीच जहाँ छूटा है वहाँ भी डालना ज़रूरी है, ठीक है। अब सिर्फ इसमें एक ही काम रह गया बटन फिटिंग का। तो बटन फिटिंग के लिए कुछ स्ट्रेटेजी यूज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले तो स्प्रिंग लगेंगे, और जो बटन फिटिंग है, बटन फिटिंग के लिए कुछ आपको बता रहा था मैं स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। उसमें कुछ सेट हुन रहते हैं बटन के, सेट हुन की किस प्रकार के बटन लगेंगे वो इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊँगा। अगर आप कोर्स लेते हो तो जहाँ उसमें ज़रूर बताऊँगा मैं। इसमें आप ऐसा करिए, दूसरे बेंजो की देख के, या फिर 31 बटन का जो बेंजो होता है इसमें देख देख के आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसमें याद करने का तरीका रहता है, लेकिन अगर आप एक दो बेंजो बना रहे हो तो फिर क्या मतलब आपको याद करने का। इसलिए तो हमने कुछ बटन स्प्रिंग ले लिए, उसके बाद से हम बटन फिट कर देंगे इस प्रकार से आसानी से। और इसी प्रकार से पूरी बटन फिट हो जाएंगी, ठीक है। पहले हम इसको कुछ इस प्रकार से रख रहे हैं, उसके बाद उसमें स्पोक लगा देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि पहले स्पोक लगाओ उसके बाद बटन फिट करें, लेकिन हमारे लिए ये तरीका सही है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती वापस जो बटन निकालने लग। सेकेंड सेट पे आएंगे तो सेकेंड सेट की फिटिंग मैं कैमरे पे नहीं करूँगा, बिहाइंड द कैमरा करूँगा, ठीक है। और आखिरी में आपको बताता हूँ मैं कैसा लुक आएगा इसका, ठीक है।
तो हमारा जो ये आखिरी पूरा हो चुका है, ठीक है। आप किस देख सकते हो कितना अच्छा बढ़िया लुक आ रहा है हमारे बेंजो का, पट्टी का सॉरी बेंजो बनने का है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, सब भारत।